यहाँ संतान की लालच में अपने से आधी उम्र की लड़की से दूसरी शादी करना एक शख्स को भारी पड़ गया। शादी के दो दिन बाद ही दुल्हन ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हो गई। दुल्हन और बिचौलिया दोनों ही गायब हैं। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। हाथरस के नगला अलगरजी इलाके के रहने वाले भाजपा नेता बलवीर सिंह भाजपा लहरा मंडल के मीडिया प्रभारी है। उनकी शादी को करीब 20 साल हो चुके हैं, लेकिन कोई संतान नहीं है। दो दिन पहले मधुगढ़ी का एक दलाल पड़ोसी के माध्यम से भाजपा नेता बलवीर सिंह के घर पहुंच गया। दलाल ने कहा कि उसकी मौसी की बेटी अनमैरिड है, वे दूसरी शादी करा देगा। इसके बदले में दलाल ने 50,000 रुपए ले लिए। 17 जनवरी को दलाल एक 22 साल की युवती को लेकर घर आ गया। घर के अंदर ही पड़ोसी और पहली पत्नी की मौजूदगी में दलाल ने जयमाला की रस्म कराई। भाजपा नेता और नई नवेली दुल्हन को कुर्सी पर बैठाकर आशीर्वाद दिया। भाजपा नेता की पहली पत्नी को लगा कि अब उसका वंश चल जाएगा, इसलिए शादी की रस्म होने के बाद दलाल अपने पैसे लेकर चला गया और युवती को घर पर ही छोड़ गया। भाजपा नेता की पहली पत्नी ने अपनी सौतन को सोने का मंगलवार सूत्र, सोने के कुंडल, पाजेब सब कुछ दे दिया। दो दिन तक वे बड़े आराम से घर में रही, लेकिन शुक्रवार की सुबह होते ही दलाल भाजपा नेता के घर के बाहर गाड़ी लेकर खड़ा हो गया। इतने में दुल्हन आई और बैठकर भाग निकली। अब भाजपा नेता परेशान है। दोपहर को वह अपनी पत्नी को लेकर कोतवाली हाथरस गेट आया और तहरीर दे दी। मामले में कोतवाली हाथरस गेट प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने कहा, शिकायत मिली है कि एक दुल्हन ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हो गई है। मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।